मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताऊंगा, टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है, इंजन कैपेसिटी क्या होती है, इंजन का वॉल्यूम क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, बहुत सी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बारे में बता देता हूँ। टॉप डेड सेंटर क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन होती है जिसमें पिस्टन सिलेंडर के एकदम टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंच जाता है। वहीं बॉटम डेड सेंटर क्रैंकशाफ्ट की वह पोजीशन होती है जिसमें पिस्टन सिलेंडर के एकदम बॉटम पार्ट में रहता है। यानी कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर में जब पहुंचेगा तब तो पिस्टन सिलेंडर के हेड के सबसे पास में रहेगा, और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचता है तब तो यह पिस्टन सिलेंडर के हेड से सबसे ज्यादा दूर रहता है। यानी कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों क्रैंक शाफ्ट की पोजीशंस हैं। टॉप डेड सेंटर वह पोजीशन है क्रैंक शाफ्ट की जब पिस्टन सिलेंडर के हेड के सबसे पास में रहता है, और बॉटम डेड सेंटर वह पोजीशन है क्रैंक शाफ्ट की जब पिस्टन सिलेंडर हेड से सबसे ज्यादा दूर रहता है। इसके अलावा बोर वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। बोर से हम सिलेंडर के डायमीटर को शो करते हैं, यानी कि जो इंजन का सिलेंडर रहता है उसके डायमीटर को हम बोर कहते हैं। और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है तब इसे हम स्ट्रोक कहते हैं। मेनली 4 स्ट्रोक होते हैं इंजन में, 4 स्ट्रोक होते हैं सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है, कंप्रेशन के दौरान बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा, एक्सपांशन के दौरान टॉप डेड सेंटर से वापस बॉटम डेड सेंटर, और एग्जॉस्ट के दौरान बॉटम डेड सेंटर से वापस टॉप डेड सेंटर। एक बार जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं, या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन जाता है तो अब उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में सिर्फ एक्सपांशन स्ट्रोक के दौरान, पावर स्ट्रोक के दौरान ही हमें पावर मिलती है, और बाकी स्ट्रोक्स के दौरान हमें इंजन के ऊपर वर्क करना पड़ता है। और ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। अब हम क्लियरेंस वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। पिस्टन जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है, और बॉटम डेड सेंटर से वापस टॉप डेड सेंटर तक मूव करता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। लेकिन पिस्टन जब सिलेंडर के टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है तब भी सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है जिसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इसके अलावा पिस्टन जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है इस वॉल्यूम को हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है उसके ऊपर जो वॉल्यूम रहता है वह क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है, जबकि स्वेप्ट वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक कितना पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, कितना वॉल्यूम है सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, वह स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। अब हम इंजन कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्वेप्ट वॉल्यूम टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो वॉल्यूम रहता है यह स्वेप्ट वॉल्यूम रहता है, और जो फ्यूल एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है वह जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा नहीं आ सकता। यानी कि जितना स्वेप्ट वॉल्यूम रहेगा वह इंजन की कैपेसिटी रहेगी। यानी कि अगर कोई इंजन 100 cc का है तो वह 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्यूल एयर का मिक्सचर अपने अंदर सिलेंडर में ले सकता है, जबकि अगर इंजन में एक से ज्यादा सिलेंडर होंगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम से नंबर ऑफ सिलेंडर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास इंजन कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं 4-व्हील व्हीकल्स की इंजन कैपेसिटी लीटर्स में शो की जाती है, तो अगर कोई इंजन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या इससे ज्यादा फ्यूल एयर का मिक्सचर अपने अंदर ले सकता है तो इसे हम इक्वलाइज कर देते हैं 1 लीटर फ्यूल एयर के मिक्सचर से, तो इस इंजन की कैपेसिटी हो जाती है 1 लीटर।
तो अगर सिंगल सिलेंडर है तो ज्यादातर क्यूबिक सेंटीमीटर में उसकी कैपेसिटी शो की जाती है, वहीं अगर एक से ज्यादा सिलेंडर है इंजन्स में तो लीटर में उसकी कैपेसिटी शो की जाती है। और यह नंबर हमें बताता है कि इतना वॉल्यूम प्योर एयर का मिक्सचर इस सिलेंडर के अंदर जा सकता है। अब हम कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजन में पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम रहता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, जबकि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो वॉल्यूम रहता है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और इंजन की जो कैपेसिटी रहती है वो स्वेप्ट वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को मिलाएंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चलेगा हमारे सिलेंडर का। तो कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो हमें बताता है कि फ्यूल एयर का मिक्सचर कितना कंप्रेस हो रहा है इंजन में। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत कम रहता है, जबकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा रहता है। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 10 से ऊपर नहीं रहता अमूमन, और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 15 से नीचे नहीं रहता। कंप्रेशन रेशियो रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम का और क्लियरेंस वॉल्यूम का। अब हम मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। कंबशन के समय बहुत ज्यादा प्रेशर राइज होता है सिलेंडर के अंदर, लेकिन जब भी पावर स्ट्रोक होगा, जब भी एक्सपांसन होगा, तब जरूरी नहीं है कि हर समय सिलेंडर में प्रेशर सेम रहे। प्रेशर सिलेंडर के अंदर हर कंबशन के समय या हर पावर स्ट्रोक के समय वैरी करता रहता है। तो एक मीन प्रेशर क्या है सिलेंडर के अंदर, एक एवरेज प्रेशर क्या है सिलेंडर के अंदर, वह हमें बताता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्योंकि तो सिलेंडर में प्रेशर पावर स्ट्रोक के दौरान हमेशा वैरी करता रहता है, इसलिए हम एवरेज प्रेशर इंडिकेट करते हैं, जिसे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। यह ज्यादातर बार या किलो पास्कल में शो किया जाता है। अब हम इंडिकेटेड पावर के बारे में बात कर लेते हैं। आईपी से भी इसे डिनोट किया जाता है। इंजन के सिलेंडर से हमें कितनी पावर मिल रही है यह हमें इंडिकेटेड पावर बताता है। इसे ज्यादातर किलोवाट में शो किया जाता है। इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया रहता है वह ज्यादातर इंडिकेटेड पावर हमें बताता है। जबकि अगर हम ब्रेक पावर के बारे में बात करें तो जो पावर हमें क्रैंक शाफ्ट से मिलती है उसे हम ब्रेक पावर कहते हैं। इंजन सिलेंडर से पावर जब क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है तो उस समय बहुत से फ्रिक्शनल लॉसेस और पंपिंग लॉसेस होते हैं, जिसके कारण पावर भी लॉस होती है। तो जो क्रैंक शाफ्ट से हमें पावर मिलती है वो ब्रेक पावर रहती है, जबकि इंजन सिलेंडर जो हमें पावर देते हैं वह इंडिकेटेड पावर होती है। इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर हमेशा कम रहती है, क्योंकि बहुत से फ्रिक्शनल और पंपिंग लॉसेस होते हैं। अब ब्रेक पावर की मदद से ही हमारी व्हीकल लगातार चलती रहती है। इसके अलावा इंजन टर्मिनोलॉजी में टॉर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इतने फोर्स से क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है यह हमें टॉर्क बताता है। और जिस तरह पावर स्ट्रोक के दौरान प्रेशर वैरी हो रहा था सिलेंडर में, उसी तरह पावर स्ट्रोक के दौरान, हर अलग अलग पावर स्ट्रोक के दौरान टॉर्क भी वैरी होता रहता है। और आइडियल स्ट्रोक्स के दौरान हमें कोई टॉर्क नहीं मिलता। इंजन मैन्युफैक्चरर्स एवरेज टॉर्क जो रहता है वह हमें बताते हैं कि यह इंजन या यह व्हीकल हमें इतना एवरेज टॉर्क देता है। टॉर्क की मदद से ही हमारी व्हीकल एक्सेलरेट करती है। मान लीजिए इंजन ज्यादा पावर जनरेट नहीं करता लेकिन टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है, तब एक्सेलरेशन तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन हाई स्पीड आप मेंटेन करके नहीं रख सकते। वहीं अगर इंजन ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है लेकिन टॉर्क उसमें कम है, तब एक्सेलरेशन आपको अच्छी नहीं मिलेगी लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड अच्छी ज्यादा इंक्रीज होते जाएगी। यानी कि एक बार अगर आप एक्सेलरेट कर गए तो आप अपनी स्पीड मेंटेन करके रख सकते हैं। तो टॉर्क के ऊपर बहुत कुछ एक्सेलरेशन हमारा डिपेंड करता है, और मैन्युफैक्चरर हमें हमेशा टॉर्क की एवरेज वैल्यू ही बताते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।